सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मोटर्स के बारे में। काफ़ी किसान भाई जब नई मोटर लेने जाते हैं और उनके पास पहले से मोटर का नॉलेज नहीं होता है तो दुकान वालों की बातों में आ जाते हैं और कुछ का कुछ ले लेते हैं जिससे उनको फ़ायदा नहीं रहता। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको क्लियर करूँगा कि कैसे कैसे आपको मोटर को सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी। ये जो है पहला पार्ट है, क्योंकि मोटर्स का जो प्रकार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि मोटर्स जो होती है नदी के लिए अलग, तालाब के लिए अलग, बाहर वाली अलग, मतलब जो ऊपर से चलती है एयर कूल्ड जिसे कहा जाता है, वाटर कूल्ड अलग आती है, ऑयल कूल्ड भी आजकल आने लगी है, उसी के साथ बोरवेल की अलग आती है, तो इन सब के बारे में अलग अलग है। तो वो इसके कारण मैं ना ये एक पार्ट बना रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तब ही जाके मैं बोरवेल और जो एक्सटर्नल मोटर होती है मतलब बाहर की साइड से जो मोटर चलती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो कुएं, तालाब, नदी के अंदर यूज़ की जाती है जिन्हें सबमर्सिबल कहा जाता है या फिर इंटरनल मोटर कहा जाता है, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी कहा जाता है, तो ये जो नाम होते हैं ये जो अंदर चलती है उस मोटर के हैं, जिसके अंदर जो इंटरनल पार्ट होता है मतलब जहाँ पे बाइंडिंग लगी होती है वहाँ पर पानी भी जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसकी कुछ जानकारी हम लेते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे आपको मोटर लेनी है। जैसे आप पहली बार मोटर लेने जाते हैं तो उसमें आपको 3 से 4 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, जिन्हें आप अगर देखेंगे तो आप आसानी से जज कर सकते हैं कि आपको कौन सी मोटर चाहिए। सबसे पहला, आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है, दुकान वाले के पास आप जाते हैं, वो कहता है ये मोटर जो है अच्छा पानी फेंक रही है, लेकिन उन्हें भी ये कनेक्शन के बारे में पता नहीं होता। ये जो होता है मोटर के इंटरनल बाइंडिंग की बात है, मतलब जैसे वायर गुथे होते हैं, जो अंदर के कॉपर वायर होते हैं, वो जो वायर को गुथने का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर ये स्टार और डेल्टा रहता है। स्टार जो कनेक्शन होता है उसके अंदर बाइंडिंग जो होती है उसकी पावर आधी चलती है, और डेल्टा जो होता है उसके अंदर पूरी बाइंडिंग एक साथ चलती है। इन दोनों में फ़र्क है जिसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार जो होती है वो हाई वोल्टेज पे काम करने के लिए है। जैसे आपके पास एक जैसा वोल्टेज रहता है और काफ़ी अच्छी डिलीवरी है वोल्टेज की, तो आप स्टार कनेक्शन वाली मोटर ले सकते हैं। इसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपका जो पानी है वो कंटिन्यूस एक जैसे फ्लो होता है और ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो ये उसको अच्छे से काम कर सकती है। साथ ही इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है अगर एकदम से कम ज़्यादा हो जाता है तो इसके जो जलने के चांस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है वो इंटरनल में मतलब रोटेट होके करंट आता है, मतलब उसको काफ़ी सिस्टम है जो कि समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये रोटेट होके आता है तो इस कारण से इसके जो जलने के चांस होते हैं वो थोड़े कम रहते हैं। अब हम बात करें डेल्टा के बारे में, तो ये डेल्टा जो होती है ये लो वोल्टेज पर काफ़ी अच्छा काम करती है, और डेल्टा एक खास बात होती है कि डेल्टा जितनी भी 7.5 HP से लेके ऊपर की आती है सभी में डेल्टा कनेक्शन दिया जाता है। अब बड़ी में क्यों दिया जाता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो होती है कम वोल्टेज में भी ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो पानी की देने की क्षमता होती है वो स्टार कनेक्शन से ज़्यादा होती है। तो आपको एक मोटा मोटा ये याद रखना है कि जब भी आप मोटर लेने जाओ तो आपको ऑटो स्विच हमेशा लेना है। ऑटो स्विच जो होता है वो हमेशा मोटर को जज करता है कि आपको कब चालू होना है, और अगर वोल्टेज गड़बड़ होता है तो वो तुरंत गिर जाता है, मतलब वो मोटर को चालू नहीं होने देता, पूरे फेस चेक करने के बाद ही चालू होती है। तो आप ऑटो स्विच हमेशा लें और उसके साथ डेल्टा कनेक्शन वाली मोटर लें। डेल्टा कनेक्शन मोटर में आपको ये फ़ायदा है कि आपको कॉपर की बाइंडिंग अंदर ज़्यादा मिलती है, इसलिए उसका रोटेशन की स्पीड ज़्यादा होती है, और उसके साथ करंट फ्लो जो होता है उसमें रेगुलर करंट फ्लो होता है, इसलिए उसकी स्पीड तेज़ होने से आपको पानी ज़्यादा मिलता है। तो आपको दो मोटर मिल रही है जिसमें ऑप्शन है कि एक स्टार भी है और डेल्टा भी है, तो आपको डेल्टा मोटर लेना है। तो अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती हैं, उनकी जो प्लेट होती है उसके ऊपर स्टार और डेल्टा का लोगो बना होता है, तो वो मैं लोगो आपको दिखा दूंगा, उसको देख के आप चेक कर लेना। ये तो हो गई इंटरनल कनेक्शन को देख के आपको मोटर लेने की बात। दूसरा आपको देखना है प्रेशर प्लेट सिस्टम। प्रेशर प्लेट मतलब होता है कि इन हेड से आउट हेड में साइज का फ़र्क, इन हेड मतलब जहाँ से पानी अंदर जाता है उसका मुंह का जो साइज है वो क्या है, और आउट हेड मतलब जहाँ से पानी बाहर निकलेगा उसके मुंह का साइज क्या है,
इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी मोटर कैसा पानी देगी। इसमें लिखा हुआ होता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब ये कि जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना उसका फोर्स बढ़ेगा। फोर्स मतलब ताकत बढ़ेगी ज़्यादा लंबी लिफ्ट ले जाने की, और उसके साथ उसका एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो पानी का डिस्चार्ज है, मतलब पर मिनट पे जितना पानी फेंकना चाहिए उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। जो मुंह जहाँ से पानी खींचेगी वो 2.5 इंचेस का है, मतलब 2.5 इंचेस का, और आउट का जो साइज़ है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता है, मतलब अलग अलग होता है। कोई सी मोटर में 1.5 का होता है, किसी में 2 का होता है, किसी में 2.5 का होता है, किसी में 3 का भी होता है। तो ये जो साइज है ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा पानी चाहिए। जैसे आपको लंबी लिफ्ट पे पानी चाहिए, आपकी 5,000 फीट 3,000 फीट के करीब में लाइन है और उसमें आपको पानी चाहिए, तो आप इन तो 2.5 का लें लेकिन जो आउट है उसे कम कर दें। आउट को कम करने से प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा फोर्स से पानी फेंकेगी और लंबे समय तक और लंबी लिफ्ट पर पानी फेंकेगी। इसलिए आपको जो बड़ी पाइपलाइंस है, जिससे आपके पास 1,000 फीट से ऊपर ऊपर की पाइपलाइन है, तो उस हिसाब से आपको जो मुंह का साइज है उसे चेंज करना है। जितनी ज़्यादा लंबी लिफ्ट है उतना आउट का साइज कम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। जैसे आपको ज़्यादा लंबी लिफ्ट जैसे 3,000 फीट 4,000 फीट तक भी ले जाना है तो आप 2.5 1.5 का ले, और अगर आपके पास मीडियम लिफ्टिंग है, मतलब आपको 150 फीट से लेके 1,000 फीट तक की पाइपलाइन आपकी दबी हुई है और उसमें पानी आपको ले जाना है, तो उसका जो मुंह का साइज है वो 2.5 2 का होना चाहिए। 2.5 2 में भी आपको डेल्टा कनेक्शन अगर मिलती है तो वो सबसे बेस्ट होती है, जो कि काफ़ी अच्छा आउटपुट देती है। उसी के साथ इसमें आपको फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे ही आप मुंह का साइज आउट वाले का कम करते हैं तो पानी का प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन उसका पर लीटर डिस्चार्ज कम हो जाता है, मतलब पर मिनट में जितना पानी फेंकना चाहिए उसकी वो क्षमता कम हो जाती है। और जैसे आप तालाब नदी या फिर नहर के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको जितना इन साइज है उतना ही आउट लेना है। इसमें आपको सीधा सा ये याद रखना है कि जितना आपका इन होगा उससे आउट को कम करेंगे तो वो ज़्यादा लिफ्ट तक पानी ले जाएगी, और जितना आउट को बढ़ाएंगे उतना कम लिफ्टिंग पावर होगी लेकिन पानी की क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा पानी फेंकेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे बुशिंग के बारे में। बुशिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी मोटर में 4 बुश दिए जाते हैं, किसी मोटर में 2 बुश दिए जाते हैं। बुश जो होते हैं इनके प्रकार भी अलग होते हैं, लेकिन आजकल जो है कॉपर बुश ही चल रहा है। आप एक बार दुकान वाले से ये भी पूछ लीजिएगा कि कॉपर का बुश है या नहीं। इसी के साथ आपको ये चीज़ें देखनी है कि इसके बुश में साइज कितना है, मतलब 2 बुश का है या 4 बुश की है। तो अगर आपको 7.5 5 से लेके ऊपर की जितनी भी HP है, 5 के बाद 7.5 है, 12 है, 10 है, उसके बाद 15 है, 20 है, वो सभी 4 बुशिंग में लेनी है। 4 बुशिंग में क्यों लेनी है उसका वही कारण बता देता हूँ। जो रोटेटर होता है, जितनी ज़्यादा HP की मोटर होगी उतना भारी रोटेटर होता है, और उसको रोकने के लिए उसे घुमाने के लिए उतना अच्छा बुशिंग चाहिए। अगर बुश उतने अच्छे नहीं है तो वो जल्दी घिस जाएंगे और आपकी जो मोटर है वो समय से पहले ख़राब हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा बुश रहेंगे उतना आपको घर्षण कम होगा, मतलब फ्रिक्शन कम होगा, और उससे आपको उतनी लंबी लिफ्ट मिलेगी, उतना अच्छा पानी मिलेगा और उतनी अच्छी आपकी मोटर चलेगी। तो ये जो पूरा वीडियो है इसमें मैंने 3 बातें बताई हैं। पहला, आपको कनेक्शन देखना है स्टार है या डेल्टा है। दूसरा, आपको प्रेशर प्लेट सिस्टम देखना है, मतलब इनलेट का हेड का साइज क्या है और आउटलेट का हेड का साइज क्या है। तीसरा, आपको देखना है कि बुशिंग क्या है। अब बात आती है कि हम कंपनी कौन सी लें, क्योंकि काफ़ी किसान भाई अब मुझसे यही पूछेंगे कि भाई साहब कंपनी अब कौन सी लेनी है। तो कंपनी सभी एक होती है, इनके अंदर कंपनियों में कोई विशेष फर्क नहीं होता, क्योंकि कंपनी क्या देती है, कंपनी सिर्फ जो देती है वो आउट का बॉक्स, मतलब जहाँ पर आपकी मोटर की फिटिंग हो रही है उसको देती है। बाकी जो अंदर पावर है वो सब उसके जो बाइंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छा कॉपर वायर होगा उतनी अच्छी आपकी मोटर काम करेगी, और ये डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन कौन सा है। तो ये जो है आपको कि मेरे को यही कंपनी की मोटर लेनी है ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जो कनेक्शन देखें यही साइज में एक जैसी मोटर लें तो आप किसी भी कंपनी की लेंगे आउटपुट उतना ही फेंकेगी जितना उसके अंदर बाइंडिंग और उसका डेल्टा कनेक्शन स्टार कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और आप ये भी बताएं कि बोरवेल और जो बाहर की मोटर्स होती हैं, जो एयर कूल्ड मोटर होती है, उनके बारे में भी बताऊं क्या।
और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।